अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नफे नुकसान का अंदाजा हो गया और वो मीडिया के सामने पहुंचे और बिना ज्यादा लाग लपेट के सीधे बयान पर माफी मांगी। का अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगने का सिलसिला एक बार में खत्म नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर सीएम साहब कुल 3 बार माफी मांगते दिखे। गिनती आप भी देखिए। जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। ये तो बानगी थी। विधानसभा के अंदर का सीन अभी बाकी था। नीतीश विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी हो हल्ला कर रही थी। माफी खारिज कर दिया गया था। सदन में जमकर नारेबाजी हो रही थी। नीतीश करते तो क्या करते, यहाँ भी महिला शिक्षा की दुहाई दी और फिर माफी मांगने लगी। सुनिए। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूँ और मैं अपनी निंदा करता हूँ। मैं दुख प्रकट करता हूँ कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। बीजेपी कहां मानने वाली थी, मौका ऐसा था कोई हाथ से जाने कैसे दी। नीतीश निशाने पर थे। कोई उनकी माफी को खारिज कर रहा था तो कोई उनकी सीएम पद से विदाई की मांग पर अड़ा हुआ था। हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। दरअसल बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसका माहौल उस वक्त गर्मा गया जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में विवादित बयानबाजी की गई। वो बयानबाजी किसी और ने नहीं बल्कि वहां के मुखिया नीतीश कुमार ने की है। सदन में खड़े होकर अपने पेट पर हाथ सहलाते हुए नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए बेटियों की पढ़ाई का जिक्र कर अचानक ऐसा ज्ञान देने लगे जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद हो। महिला विधायक का शर्म से सिर झुकाने को मजबूर थी। बगल में बैठे भतीजे तेजस्वी यादव शर्म से गड़े जा रहे थे। पीछे बैठे माननीयों में हंसी के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी लेकिन नीतीश पूरे रौब में अपनी बात कहते रहे। ये बयान नीतीश के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। सुनने वाले दंग थे। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो ठीक है लेकिन अंतिम में उसको। बहरहाल नीतीश एक मंझे हुए नेता हैं। वो समझ गए कि गलती हो गई। अब बयान से पल्ला झाड़ना ही ठीक है तो बिना किसी देरी और लाग लपेट के उन्होंने माफी मांगी। ये भी कहा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने के दौरान कुछ ज्यादा बोल गए लेकिन बीजेपी के लिए ये एक सियासी मौका है। जाहिर है वो नीतीश की गलती को मुद्दा बनाएगी।